पौराणिक कथाओं पर फिल्में बनाने का क्या है नया ट्रेंड? क्या आने वाली फिल्म भी किसी पुराण पर आधारित होने वाली है? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में। दोस्तों, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस लास्ट ईयर आ चुका था और कोरोना वायरस की वजह से सभी शोज की, सभी फिल्मों की शूटिंग रुक गई थी। तो इस वजह से दूरदर्शन ने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने वही पुराने शोज, वही पुराने पौराणिक शोज यानी के महाभारत और रामायण जैसे शोज को वापस से चलाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दर्शकों का भरपूर प्यार देखा। उससे यह बात साफ साबित हो गई कि दर्शकों को पौराणिक फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है, वो उन फिल्मों से कुछ हद तक बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो ऐसी चीजें देखना, ऐसी डिवोशनल चीजें देखना दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिल्म मेकर्स ने ये चीज देखी कि जब दर्शकों को टेलीविजन पर आने वाले ये सभी शोज इतने पसंद आते हैं, तो उन्होंने इसी चीज को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसी ही फिल्में बनाएं। तो आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी ही फिल्में जो ऐसी ही डिवोशनल टॉपिक्स पर बनाई गई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आप सभी के सामने अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत बड़े सुपरस्टार यानी के बाहुबली स्टार यानी के प्रभास दिखने वाले हैं ओम राउत की फिल्म में बॉलीवुड ब्यूटी कृति सनन के साथ राम और सीता के किरदार में। यानी के ये दोनों का पहला ऐसा किरदार होगा जिसमें वो इतने डिवोशनल किरदार निभाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि पहले सीता के रोल के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था। फिल्म में हमें सनी सिंह लक्ष्मण बने नजर आएंगे, वहीं सैफ अली खान नजर आने वाले हैं रावण के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, इस फिल्म में सिद्धार्थ शुक्ला भी एक काफी अहम किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात करी जाए फिल्म की रिलीज की, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म साल 2022 तक रिलीज कर दी जाएगी। अब दोस्तों, मैं आप सभी के सामने बात करने वाली हूँ एक और अपकमिंग फिल्म जो होने वाली है राम सेतु। दोस्तों, वैसे तो ये फिल्म पूरी तरीके से पौराणिक नहीं है, लेकिन इस फिल्म में इतिहास के उन पन्नों को छेड़ा जाएगा जहां पर हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने मिलकर राम नाम के पत्थर लगाकर श्रीलंका तक जाने का रास्ता या फिर यूं कहिए पुल बनाया था। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत बरूचा काफी अहम किरदार प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों, बात करी जाए फिल्म की शूटिंग की, तो इस फिल्म का शूट लॉकडाउन की वजह से काफी समय से रुका हुआ है। अब इस बात के लिए तो मेकर्स खुद भी श्योर नहीं है कि वो वापस से फिल्म का शूट कब रिज्यूम कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करने वाली हूँ अपकमिंग एक और फिल्म महाभारत के बारे में। अब महाभारत की कहानी तो हम सभी जानते हैं, तो अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि आखिर इस फिल्म में फिर ऐसा क्या खास है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमें इस फिल्म में महाभारत की कहानी द्रौपदी के नजरिए से दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये रोल निभाती हुई हमें दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। और बात करी जाए एक और अहम किरदार की, तो दोस्तों इस फिल्म में हमें आमिर खान काफी अहम रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभी फिल्म की शूटिंग या रिलीज को लेकर कोई खास जानकारी नहीं आई है। अब दोस्तों, जहां इतनी सारी फिल्में सिर्फ डिवोशनल टॉपिक्स पर बनाई जाने वाली हैं, तो अब ये देखना मुश्किल है कि क्या मेकर्स टेलीविजन टीआरपी को देखकर फिसल गए हैं या फिर वो सच में कुछ इस तरीके की चीजें हम सभी को दिखाना चाहते हैं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।